Hi students, this is KD sir from Shivam Education. Right? I hope you all are safe at home. Board exams काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, देखते ही देखते अब कुछ ही महीने रह गए हैं. अब आप लोगों ने कितनी तैयारी की है और कुछ लोगों की तैयारी बिल्कुल नहीं की होगी, राइट? ऐसे भी हो सकता है. तो मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे स्टडी प्लान्स लेके आया हूँ जो जिनकी तैयारी अच्छी है वो टॉपर बन सकते हैं, और जिनकी तैयारी नहीं की है तो भी अगर आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करोगे तो आपके ड्रीम मार्क्स आप अचीव कर सकते हो. तो 10वीं और 12वीं कॉमर्स के लिए मैं ये स्टडी प्लान लाया हूँ. तो आई होप यू विल वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट एंड फॉलो दिस स्टडी प्लान टू अचीव योर ड्रीम प्लान. क्या आप लोग तैयार हो? लेट्स डू इट. सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि टेक अ बिग पेपर, ड्राइंग पेपर जैसा बड़ा पेपर ले लो या तो कार्डबोर्ड पेपर आता है वो ले लो, और उसमें आप लिखिए कि आई विल स्कोर डैश परसेंटेज इन द बोर्ड एग्जाम्स May 2021. वापस बोलता हूँ, आई विल स्कोर डैश परसेंटेज, आपका जो परसेंटेज ड्रीम परसेंटेज है वो लिखो, राइट? ड्रीम परसेंटेज वो रखो जो इम्पॉसिबल लग रहा हो, राइट? फिर मत बोलना कि मुझे खाली 60% चाहिए. 60% आप घर पे ऐसे ही पढ़ते पढ़ते भी हल ले कह सकते हैं. ड्रीम परसेंटेज वो होना चाहिए जो आज के दिन में आपको इम्पॉसिबल लगे. तो राइट डाउन दैट ड्रीम परसेंटेज, राइट? एंड राइट डाउन दैट May 2021, और उसको ऐसी जगह पे चिपका दो जहाँ आपको रोज दिखने मिले, राइट? और फिर उसके बाद हम उसको अचीव करने का प्लानिंग बताते हैं, राइट? चलो लेट्स स्टार्ट. हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा प्लानिंग. ये क्या है प्लानिंग, मैं बताता हूँ. आप एक नोटबुक ले लीजिए, अपने सब्जेक्ट्स लिखिए, जैसे आज आप क्या करने वाले हैं, डेट लिखिए, राइट? सपोज कल है 27/12/2020, राइट? ये डेट लिखा. फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, यहाँ पे डेट, यहाँ पे सब्जेक्ट, राइट? फिर उसके बाद मैथ्स, फिर यहाँ पे डिटेल्स, राइट? फिर उसके बाद यहाँ पे लिखिए चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2, सपोज, राइट? आपको जो करना है. फिर उसके बाद यहाँ पे लिखिए रिमार्क, राइट? आपको अभी ये तीन कॉलम भरना है, ये तीन कॉलम आपको भरना है. और फिर उसके बाद सारे सब्जेक्ट आप क्या क्या करने वाले हैं, साइंस, इंग्लिश, वॉट एवर, राइट? ये डे प्लानर बोलते हैं इसको बोलते हैं डे प्लानर, और आपको ये रोज बनाना है, ओके. फिर उसके बाद अब हमको क्या करना है, देखिए मेन है दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं थियोरिटिकल हैं. फॉर एग्जांपल ले लीजिए मैथ्स, राइट? मैथ्स जो है आपको डेली करना है, लिख लो, यू हैव टू डू डेली मैथ्स. डेली आपको कम से कम 2-3 आवर्स आपको मैथ्स करना है. अब आप पूछोगे ये 2-3 आवर्स कब करेंगे? मैथ्स इज सच अ सब्जेक्ट वेर यू डू नॉट रिक्वायर साइलेंस. ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपके घर पे टीवी चल रहा है, आपके घर पे मेहमान आए हैं, आपके भाई बहन बातें कर रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं, यू कैन जस्ट डू मैथ्स इन द मिड ऑफ देम, बराबर? उनके साथ बैठ के भी आप मैथ्स कर सकते हैं. ये मैथ्स आप करो रोज. फिर उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है, इंग्लिश ग्रामर करो, या तो फिर गुजराती ग्रामर, ये दो लोग हैं, राइट? अगर आप ये दो हैं ऐसे सब्जेक्ट्स जो आप डेली घर के ऐसे वातावरण में कर सकते हैं जब आपको डिस्टर्बेंस नहीं लग रहा हो, राइट? फिर इसके बाद आपको थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स करने हैं. थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स कैसा है? थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में आप या तो साइंस, राइट? एक दिन साइंस लोगे, साइंस के साथ एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट लेना है, जैसे रहेगा गुजराती ले लो या तो संस्कृत, राइट? तो साइंस प्लस गुजराती या संस्कृत, दोनों में से एक सब्जेक्ट. ये क्या होता है मैं बताता हूँ, साइंस में आपका कंसंट्रेशन चाहिए, गुजराती और संस्कृत आप थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए. क्योंकि क्या होता है कि जब आप कोई थियरी सब्जेक्ट लेते हैं
तो थियरी सब्जेक्ट हमेशा 40 मिनट्स तक अच्छी तरह से चलेगा, फिर उसका थोड़ा रिफ्रेश होना ज़रूरी है। तब आप देखिए संस्कृत में ग्रामर देख सकते हैं, ट्रांसलेशन देख सकते हैं, वट एवर इट इज, राइट। फिर उसके बाद सेकंड डे आप सोशल साइंस लीजिए, और फिर ये दो सब्जेक्ट में से जो सब्जेक्ट आपको करना है वो कर सकते हैं, गुजराती या तो संस्कृत, बराबर। और थर्ड डे आप इंग्लिश ले लीजिए, और इसके साथ आप इंग्लिश ग्रामर भी ले सकते हैं या तो फिर कोई संस्कृत सब्जेक्ट, ओके। सो यू कैन डू दिस वे, ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से आपका ड्रीम स्कोर जो है वो स्कोर कर सकते हैं, ड्रीम मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं, राइट। अब बात है टाइम की, स्टूडेंट्स यू नीड टू गिव, यू नीड टू डबल अप योर टाइम फॉर स्टडीज। अगर आपके आपके ड्रीम मार्क्स बराबर, इफ़ यू वांट टू बिकम द टॉपर, इफ़ यू वांट टू स्कोर योर ड्रीम परसेंटेज, देन यू नीड टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत है, राइट। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालना है। अब एक्स्ट्रा एफर्ट्स कैसे डालना है ये बताता हूँ। एक तो स्कूल का ऑनलाइन क्लास होगा, ट्यूशन क्लासेस का ऑनलाइन क्लास होगा, ये सारे टाइम से अलावा अगर आप कोई ऐसा टाइम निकालें जब आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं, वो टाइमिंग है आइदर यू डू इन द मॉर्निंग और इन द नाइट। बहुत सारे बच्चों को रात को पढ़ने की आदत है, अगर आप रात को पढ़ते हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू रीड टिल 2 AM, राइट। कम से कम 2 बजे तक पढ़ाई करें, और अगर आप मॉर्निंग उठ सकते हैं तो यू हैव टू वेक अप एट 3 AM, दिस इज द थिंग, राइट। क्योंकि क्या है, 5 hours to 6 hours आपको नींद की ज़रूरत है। अगर आपको बहुत नींद आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा टायर्ड हो गए, दिन में 1 घंटा सो जाओ, राइट। लेकिन रात को 5 hours इनफ है, क्योंकि मैं मुझे पता है बहुत सारे बच्चों से पूछा 7 बजे उठने की आदत है उनको, तो आप 2 बजे तक रात को पढ़ लो, और जो बच्चे रात को जल्दी सोने की आदत है वो 3 बजे उठ के पढ़ाई चालू कर दो, ओके, अंडरस्टूड। ये मेरा जो स्टडी प्लान है ये मैंने अभी फिलहाल 100 डेज का टारगेट रखा है, राइट। 100 डेज, ये 100 डेज कैसा होगा बताता हूँ आपको। पहले के 60 डेज में आपका जो सिलेबस है ये कंप्लीट करना है, राइट। आपको प्लानिंग इस तरह का करना है, 60 डेज फॉर सिलेबस, राइट। और फिर उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज हम करेंगे रिवीजन, ओके। और फिर 25 डेज हम सिर्फ बोर्ड पेपर्स और प्रैक्टिस पेपर्स, प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो ये हमारा मेथड होगा। अगर आपने ये वाला स्ट्रेटजी फॉलो किया, ये प्लान को अगर आपने फॉलो किया, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप अपने ड्रीम मार्क्स वट एवर परसेंटाइल और परसेंटेज आपने जो लिखा है वो अचीव हो सकता है। आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ। अब ये जो आपने रोज का जो पढ़ाई किया, आप जो अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हो, ये आपको किस तरह पता चलेगा कि आप सही हो कि नहीं, तो दिस फॉर दिस यू रिक्वायर सेल्फ एनालिसिस। तो क्या करना है सेल्फ एनालिसिस, देखिए ये सेल्फ एनालिसिस देख लीजिए, बराबर। आपने जो सुबह मॉर्निंग उठ के रोज जो डे प्लानिंग किया था, उस प्लानिंग को खाली 5 मिनट देना है आपको। क्या करना है, सपोज आपने मैथ्स का लिखा था, राइट, फिर उसके बाद आज साइंस का लिखा, फिर उसके बाद आपने इंग्लिश किया सपोज, राइट। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपका बहुत मेहनत अच्छा सही निकला तो यू हैव डन इट, कंप्लीटेड दिस, आई हैव डन इट, यस दिस ऑल्सो आई हैव डन इट। आपने तीनों अच्छी तरह कंप्लीट किया है, आपको यहाँ लिखना है एस, एस फॉर सक्सेस। यस स्टूडेंट्स, दिस इज अ साइकोलॉजिकल गेम फॉर सेल्फ एनालिसिस। ये जितना पूरे पेज में जितनी बार आपका एस आएगा, आपका सक्सेस होने का, सक्सेसफुल होने का हैबिट हो जाएगा। और जब सक्सेस आपका हैबिट बन जाता है ना, आपका डिटर्मिनेशन पावर उतना ही बढ़ते जाएगा,
और इस तरह आप अपने गोल की तरफ बहुत ही अच्छी तरह आगे बढ़ोगे और अचीव करोगे। अंडरस्टूड? तो ये जो एस है ये आपको जरूर देखना है, सेल्फ एनालिसिस इज वेरी मस्ट। बरोबर, अगर आपने कोई चीज अचीव नहीं किया है, सपोज आज आप नहीं कर पाए, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करके दूसरे दिन फिनिश करो। हमारा जो टारगेट है 100 डेज का, वो हमें कंप्लीट करना है। आई होप दिस इज वेरी यूजफुल टू यू एंड यू विल फॉलो दिस। इफ यू फॉलो दिस आई एश्योर यू आप अपने ड्रीम परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं, और अगर आपका जो सपना है टॉपर बनने का वो भी अचीव होगा। ओके, आई होप यू विल डू इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। शेयर इसलिए करो कि आपके जैसे कई बच्चे हैं जिनको ये प्लान की ज़रूरत है, so that they also get motivated and they follow this plan. Let us make others also successful. Okay? Thank you very much. Best of luck.